अजमेर नगर निगम में डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नीरज जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी डिप्टी मेयर में चुनाव जीतने का दावा कर रही है। पार्टी के पदाधिकारी व पार्षदों का कहना है कि पार्टी एकजुट है और सभी की सहमति से नीरज जैन को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने अपना नामांकन नगर निगम में दाखिल कर दिया है। इस दौरान विधायक अनिता भदेल, नवनिर्वाचित मेयर ब्रजलता हाडा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी नीरज जैन ने दावा किया कि वह इस चुनाव में जीतकर शहर के विकास में अहम भागीदारी निभाएंगे और जिस तरह से विकास होता आया है उसी तरह से आगामी दिनों में और बेहतर काम कर शहर को सुंदर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है और 48 पार्षद हमारे जीत के आए हैं और निश्चित रूप से इसी आधार पर कल हम मेयर का चुनाव भी जीते थे और आज हम डिप्टी मेयर का भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति तो हाँ, कांग्रेस तो रहेगी ना, वो तो उनका मालूम है, कल क्या हर्ष हुआ था वही हर्ष आज उनका होने वाला है। ठीक है, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर हर चीज़ सर्वसम्मति से और सबसे राय मशवरा करके और तय होती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्णय है उसे मानेंगे और लगातार मैं इसको देखता हुआ आया हूँ और पार्टी ने जो महती जिम्मेदारी मुझे दी है, जो मेरे पर जवाबदारी मेरे को सौंपी है, मैं कोशिश करूँगा कि उस खरा उतरने का प्रयास करूँ। लगातार मेरा 10 साल का यहाँ पर काम करने का अनुभव रहा है, उस अनुभव का ही फायदा मिलेगा और हमारे पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जी के समय लगातार हम यहाँ जीतते आए, 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उनके द्वारा जो स्मार्ट सिटी के काम के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ चल रहे थे उन कामों को और गति प्रदान करने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी और अजमेर की जनता को नगर निगम की जो सुविधाएँ हैं सर्वसुलभ सुविधाएँ तो उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। स्वच्छता हमारा मिशन रहेगा और मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी का सपना है उसको हम जल्दी से जल्दी साकार करने का प्रयास करेंगे। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में सबको अधिकार अपनी बात रखने का, सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, उनमें से पार्टी ने सर्वसम्मति से सबसे चर्चा करने के बाद ये निर्णय किया। हमारे विधायकों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने, हमारे प्रभारी अरुण जी चतुर्वेदी जी ने, अशोक जी लाहौटी ने और देवनानी जी और अनिता जी, इन्होंने राय मशवरा करके ये निर्णय हुआ और निश्चित रूप से मैं उनके उस निर्णय पे, उनके उस आशीर्वाद पे खरा उतरने का प्रयास करूँ। पार्षद दल की कहीं क्रॉस वोटिंग होने का डर है क्या? क्रॉस तो वो कांग्रेस ही संभाले कि उनके खुद के क्रॉस लगते जा रहे हैं कि वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम यहाँ बहुमत लेकर के आएंगे और सत्ता में आएंगे और हमारा बोर्ड बनेगा। बहुमत तो छोड़िए, 20 से भी कम उनके पार्षद जीते और कल का मेयर का इलेक्शन जो है हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, वो बताता है कि किस प्रकार अजमेर की जनता और उन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। वोट पड़ने की उम्मीद है आपको? ये तो वोट अपने आप निकल के आ जाएंगे, पार्षद अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, पार्षदों का जो अधिकार है वो उसको तय करेंगे, उनको क्या चुनना है।